हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूं दीपा। दोस्तों, आज मैं प्रीति प्रेरणा जी की एक रेमेडी इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूं और उसके रिजल्ट भी आपको दिखाऊंगी। दोस्तों, एक बाउल में मैंने राइस फ्लोर लिया है 2 चम्मच। इसमें हम चावल का आटा लेंगे। मेरे फेस में पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट है, इसलिए मैं ये रेमेडी फॉलो कर रही हूँ और आपको उसके रिजल्ट भी मैं शो करूँगी। दोस्तों, उन्होंने इसमें नींबू लिया था। नींबू मुझे सूट नहीं करता है, इसलिए उन्होंने कहा था कि आप गुलाब जल भी ले सकते हैं, इसलिए मैं इसे गुलाब जल से एक मिक्सचर तैयार कर रही हूँ। इसे फेस पर लगाना है, अच्छे से इसे स्टर करके मिक्स कर लेना है और इस तरह का कुछ पेस्ट बनाना है। पेस्ट का यूज हम अपने चेहरे पर करेंगे। दोस्तों, देख सकते हैं ये कैसा पेस्ट है मेरे चेहरे पे। आप देख सकते हैं कितने सारे स्पॉट हैं, पिंपल्स भी हैं, डार्क स्पॉट हैं, अनइवन स्किन टोन है। अब इसे मैं अपने चेहरे पर स्क्रब की तरह लगाऊंगी। दोस्तों, उन्होंने कहा था कि इसे स्क्रब की तरह लगाना है और लगा कर छोड़ देना है, तो मैं इस पेस्ट से पहले स्क्रब करूंगी। फ्रेंड्स, माइंड मत करना, मेरे बाल में मेहंदी लगी हुई है इसलिए आपको बहुत चंपू चंपू सा फील हो रहा होगा। इस पेस्ट से मैं पहले अपने फेस पर अच्छी तरह से स्क्रब करूंगी। स्क्रब बहुत हल्के हाथ से कर रही हूँ बिकॉज माई फेस इज पिंपल प्रोन, इसलिए बहुत हल्के हाथ से लाइटली मैं फेस स्क्रब करूंगी। अगर आपके भी फेस में पिंपल्स हैं तो बहुत लाइट वेट आप स्क्रब करें, जिससे कि आपके पिंपल्स को कोई इरिटेशन ना हो और पिंपल्स बिल्कुल भी ना छिड़े। अच्छी तरह से नाक के आसपास, नोज एरिया, चिन एरियाज, सब जगह अच्छी तरह से स्क्रब करेंगे। मैं पहले ही आपको बता रही हूँ ये रेमेडी प्रीति प्रेरणा जी की है, बस उसे मैं यूज कर रही हूँ और उसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे क्या इफेक्ट मिला, इससे मुझे क्या क्या फायदे हुए। इसे वीक में एक बार करना है। ये मेरा स्क्रब हो चुका है, अब इसे सुखाकर मैं धो लूंगी। ये सूख चुका था और इसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। दोस्तों, इफेक्ट इज गुड। मेरी फेस को बहुत लंपी सा फील हो रहा है, ये अच्छा है। अब चलते हैं दूसरे स्टेप में। दूसरे स्टेप में आपको 1 चम्मच राइस फ्लोर लेना है, उसके बाद इसे मिल्क से मिक्स कर देना है। मिल्क डालकर इसका पेस्ट बनाना है। उन्होंने इसमें चंदन पाउडर का भी इस्तेमाल किया था, लेकिन ये भी कहा था कि अगर आपके पास नहीं है तो आप ना यूज करें। मेरे पास अभी नहीं था इसलिए मैंने यूज नहीं किया है। ये दूध से मैंने अच्छी तरह से पेस्ट बना लिया। अब इसे मैं अपने चेहरे पर लगाऊंगी। ये मैंने अपने चेहरे पर लगा लिया है। जितना भी मेरे पास पेस्ट है मैं सारा यूज कर लूंगी। इसे अच्छी तरह से अपने चेहरे पर लगा लेना है। उसके बाद इसे 15 मिनट तक अपने फेस पर लगे रहने देना है, पूरी तरह से सूखने ना दें। और उसके बाद जब ये ड्राई हो जाएगा, ये हल्का हल्का ड्राई हो चुका है, पूरी तरह से आप किसी भी फेस पैक को ड्राई ना करें। उसके बाद इसे हम धो देंगे। इसे मैंने पैट ड्राई कर लिया है धोने के बाद। फ्रेंड्स, इफेक्ट इज वेरी गुड। इस रेमेडी ने मेरे ऊपर अच्छी तरह से वर्क किया है और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, तो
तो आपके ऊपर भी ये डेफिनेटली वर्क करेगा, आप इसे यूज कर सकते हैं।